रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। बारिश से मुंबई का बुरा हाल। मुंबई में मानसून से पहले कल हुई बारिश मुसीबत लेकर आई है। मुंबई में कल रात करीब 8 बजे के आसपास जोरदार बारिश हुई। बारिश के बाद कई जगहों पर पानी भर गया है। मुंबई के पास भिवंडी में दीवार गिरने से एक की मौत हो गई है, तो वहीं करीब 5 लोग घायल हो गए हैं। मुंबई में करीब 46 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि मुंबई में मानसून 8 जून को दस्तक दे सकता है और उस दौरान जोरदार बारिश की आशंका है। मौसम विभाग से मिली चेतावनी के मुताबिक 9 से 11 जून तक 2005 वाली बारिश का खतरा मंडरा रहा है। याद रहे कि साल 2005 में मुंबई में लगातार कई दिनों तक जोरदार बारिश हुई थी, जिससे कई लोगों की मौत हो गई थी, कई पुरानी और जर्जर इमारतें जमीन दोज हो गई थी। रत्नागिरी में हुई 170 मिलीमीटर बारिश। रत्नागिरी में करीब 170 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मुंबई में सबसे ज्यादा बारिश अंधेरी में हुई, जहां 46 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा दहिसर में 43 मिलीमीटर, धारावी में 39, वडाला में 35 और भायखला में 33 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। भिवंडी में बारिश से हुए हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हैं। भिवंडी में 2 जगह दीवार गिरी, एक की मौत। मुंबई से सटे ठाणे जिले के भिवंडी में भारी बारिश से दर्दनाक हादसा हुआ है। भारी बारिश के कारण भिवंडी में 2 जगह दीवार गिरने से अलग अलग हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हैं। भिवंडी में पद्मनगर इलाके में कपड़े के कारखाने की दीवार गिर गई, जबकि नायगांव इलाके में एक इमारत की दीवार गिरने से हादसा हुआ। शनिवार को करंट लगने से हुई थी 3 की मौत। वहीं मुंबई के वालकेश्वर इलाके में एक कार पर पेड़ का हिस्सा टूट कर गिर गया। कल की बारिश में मुंबई में 39 जगहों पर पेड़ गिरने की खबर है, जबकि कई जगह जाम की सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि शनिवार को भी मुंबई में भारी बारिश के बाद करंट लगने से 2 बच्चों और एक युवक की मौत हो गई थी। 8 जून तक मुंबई में मानसून पहुंचने की उम्मीद। हालांकि मुंबई के लिए ये नया नहीं है, हर साल बारिश में मुंबई का बुरा हाल हो जाता है। मौसम विभाग ने 6 से 8 जून तक महाराष्ट्र और गोवा में मानसून पहुंचने का अनुमान जताया है। ऐसे में इस हफ्ते के अंत तक मुंबई वालों को भारी बारिश का सामना करना पड़ सकता है। महाराष्ट्र और गोवा में 1-2 दिन के अंदर मानसून पहुंचने का अनुमान है।